नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेताजी वायरल हैं। वैसे तो सर्दी हो गई है लेकिन आजकल तो गर्मी है और वो गर्मी है यूपी में चुनाव को लेकर। अब हम जब बात कर रहे हैं नेताजी वायरल है तो आज बात करते हैं दो वायरल कहानियों की। सबसे पहले बात एक ऐसी बात जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जिस कारोबारी के यहाँ छापा पड़ा और जिसके यहाँ से 1-2 करोड़ नहीं 150 करोड़ रुपए जो है कैश बरामद हुए, उसे बीजेपी ने मिलकर बना दिया समाजवादी पार्टी का करीबी, जबकि उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस छापेमारी की जिसमें कन्नौज और कानपुर दोनों जगह एक साथ छापेमारी हुई। जीएसटी वालों ने, अहमदाबाद की जीएसटी यूनिट ने वहां छापेमारी की। 2 दिन तक वहां पर नोटों की गिनती होती रही, घंटों तक नोट गिनने वाली जो मशीन होती है ना उससे गिनती होती रही और कानपुर में एक ही घर से 150 करोड़ रुपए बरामद हो गए। अब क्या हुआ कि खबर जंगल में आग की तरह फैली। सोशल मीडिया में उस कारोबारी यानी पीयूष जैन जो कि इत्र के कारोबारी हैं, उनको बता दिया गया कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि नवंबर के महीने में अखिलेश यादव के साथ बैठ के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और समाजवादी इत्र यानी समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में अखिलेश यादव ने दावा किया था कि ये इत्र जो है ना लोगों में खुशबू फैलाएगी और जो भेदभाव है जो बीजेपी एक खाई पैदा करना चाहती है उसको मिटाया जाएगा। इस इत्र को बनाने में 4 महीने का वक्त लगता है, 22 अलग अलग तरह की खुशबू है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता जैसे संबित पात्रा और भी कई ऐसे बीजेपी के नेताओं के नाम हैं जिन्होंने ये फैला दिया सोशल मीडिया में कि जिसके घर से 150 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं पीयूष जैन, वो क्या है, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी है। जबकि सच तो ये है कि वो कारोबारी इत्र का जो है वो बिल्कुल अलग है। उनका नाम है पम्मी जैन, उनको लोग इसी नाम से कन्नौज में जानते हैं, वो भी कन्नौज के ही रहने वाले हैं। उनका असली नाम है पुष्पराज जैन और वो विधान परिषद के सदस्य थे यानी MLC थे और वो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए भी करीबी हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सांसद रही और अखिलेश यादव की कृपा से ही वो MLC बने थे। और एक और मज़ेदार बात यह है कि कन्नौज में जो घर है पीयूष जैन जिनके घर छापा पड़ा और पुष्पराज जैन जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन दोनों का इत्र का कारोबार है और दोनों का घर भी एक ही कॉलोनी में आसपास है। और पूरे सोशल मीडिया में यह फैला दिया गया और यही नहीं कुछ अखबार वालों ने तक भी छाप दिया कि अखिलेश यादव के करीबी जो हैं उनके घर से 150 करोड़ रुपये बरामद हुए, लेकिन पीयूष जैन या फिर उनके बेटे प्रत्युष जैन का अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा कैंपेन छेड़ दिया कि लोग ये मानने लगे हैं कि ये अखिलेश यादव के करीबी थे और बीजेपी के नेता तो पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पर मौन क्या क्यों है। और इसी बात पर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया देखने वाले आशीष यादव का भी एक ट्वीट आया है और उन्होंने वो समाजवादी परफ्यूम जो होता है ना जो लाल और हरे रंग की शीशी में पैक है जिस पर साइकिल का निशान है, अखिलेश यादव की फोटो है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को उन्होंने भेजने का ऐलान किया, फैसला किया है। दूसरी बात भी जो कहानी है वो वायरल है और इसमें नेताजी का एक बयान वायरल हो गया। वो नेताजी कौन है? वो है हैदराबाद वाले यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बात तो उन्होंने 12 तारीख को कही थी यानी इस बात को 10 दिन से ज़्यादा हो गया है, 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया। कानपुर में उन्होंने बात कही थी, उन्होंने एक कहानी कही थी और उस कहानी के आधे हिस्से को जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी और मोदी तो बराबर बने नहीं रहेंगे, वो योगी कहीं चले जाएंगे मठ में, मोदी कहीं और चले जाएंगे और तब क्या होगा, वो पुलिस वालों को एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहानी बताई कि कैसे 80 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी एक पुलिस वाले जो है गजेंद्रपाल सिंह चौहान ने नोच ली थी। ये उन्होंने कहानी सुनाई, आरोप लगाया और फिर पुलिस वालों को धमकी देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि योगी और मोदी की सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तब जो कुछ किया पुलिस वालों ने उस सब को याद रखा जाएगा। लेकिन उस क्लिप का यानी भाषण के क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा
जिसमें सिर्फ योगी और मोदी नहीं रहेंगे, उसको इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया गया जिसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी घुस गए। जैसे नोट वाले में ना केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम है वो भी घुस गए। उन्होंने कहा कि देखो समाजवादी वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पैसे लूटते हैं, पैसे अपने घर में रखते हैं। मतलब एक तरीके से समाजवादी पार्टी को ये बताने की कोशिश की गई कि जो कुछ हो रहा है गड़बड़ी उनके यहाँ हो रही है। वैसे भी समाजवादी पार्टी के कुछ करीबी लोगों और उनके प्रवक्ता के घर इनकम टैक्स की रेड हुई है, उसके बाद से पूरा माहौल बनाने की बीजेपी की तरफ कोशिश थी। अब आ जाते हैं लौटकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान को। अब असदुद्दीन ओवैसी के बयान को भी बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके से एक छोटा सा हिस्सा वीडियो डालकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि देखो ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि अगर योगी और मोदी नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुओं का क्या होगा, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जा रही है। ये चूंकि ओवैसी फैक्टर की वजह से क्या होता है ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में क्या है, बीजेपी की कोशिश ये है कि हिंदू वोटर एकजुट हो जाए। उनको कहीं ना कहीं ओवैसी जब अपना खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलते हैं तो बीजेपी को ये सूट करता है, इसीलिए पूरा वायरल कर दिया गया उस वीडियो को। फिर आज सवेरे असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा वो अपना वीडियो डाला और कहा कि मैंने जो ये बात कही थी वो किस संदर्भ में कही थी और मेरी बात को किस तरीके से पेश किया जा रहा है। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो? मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये कोई आज की कहानी नहीं है, यूपी के चुनाव तक हर दिन इस तरीके के वायरल के अलग अलग पहलू, सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से वीडियो वायरल कराएंगे, अपनी कहानी बताएंगे और फिर कोशिश यही है कि वोटरों को अपने पास खींचने की। तो नेताजी वायरल में आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी वायरल वीडियो या वायरल बयान को लेकर हम आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जब मैं बात कहता हूँ ख्याल रखने के लिए तो कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन करिएगा, मास्क लगाइएगा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल मत जाइएगा।